हाय फ्रेंड्स, मैं आज दो बिल्कुल आसान और नए तरीके से मटर स्टोर करने की प्रोसेस बताऊंगी, जिसको अपना कर पूरे साल के लिए ताज़ा मटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ताज़ा हरे मटर हम बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। जब भी मटर के सीजन आता है, मैं इस तरीके से मटर को हमेशा स्टोर करके रख लेती हूँ। ये बाज़ार के मिलने वाले फ्रोजन मटर से कहीं गुना ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट वीडियो देख लेते हैं। मटर को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मटर को छील के उसका दाने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा मटर भी ले सकते हैं। मटर के अंदर कीड़ा या कोई भी खराब मटर नहीं रहनी चाहिए, वरना मटर जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। मटर में से सारे पीला कलर का मटर या फिर इस तरीके का कटा हुआ मटर, हाफ हो गया है जो मटर या फिर इस तरीके का एकदम छोटे साइज के मटर, सूखा हुआ या फिर सड़ा हुआ मटर को हरे मटर से अलग कर दीजिए, वरना एक भी खराब मटर हरे मटर के अंदर रह जाएगा तो फिर सारे मटर को ख़राब कर देते हैं। एक भगोने के अंदर 2 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। पानी गर्म हो गए हैं, सारे मटर को ऐड कर देंगे गर्म पानी के अंदर। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के चीनी और 1/2 टेबलस्पून नमक। गर्म पानी के साथ चीनी और नमक को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, वरना मटर जो है वो कट हो सकते हैं। मटर देखिए धीरे धीरे पानी के ऊपर आते जा रहे हैं। पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब मटर को सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा मटर को बिल्कुल भी ना पकाए, वरना मटर जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मटर को पकते हुए 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर दिए हैं। अब मटर को तुरंत गर्म पानी से निकाल कर फ्रिज के ठंडा पानी के अंदर डाल देंगे। फ्रिज का एकदम ठंडा पानी ले लिए हैं 2.5 लीटर। अगर आपका पानी ज़्यादा ठंडा ना हो तो आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं पानी के अंदर। सारे मटर को इस तरीके से ठंडा पानी के अंदर डाल देंगे। मटर को इस तरीके से ठंडा पानी के अंदर डालने से मटर का जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम रुक जाएगा। मटर को इस तरीके से ठंडा पानी के अंदर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, जिससे कि मटर जो है एकदम से ठंडा हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं, मटर जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुके हैं। अब मटर में से सारे पानी को निकाल देंगे। मटर में से सारे पानी को निकाल दिए हैं। इस तरीके का एक जिपलॉक के पैकेट लिए हैं। अगर आपके पास जिपलॉक के पैकेट ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन कवर के अंदर भी मटर को स्टोर कर सकते हैं। बस मटर को उस कवर के अंदर भरने के बाद अच्छे से लॉक कर दीजिए, जिससे कि उस कवर के अंदर हवा पास ना कर पाए। जिपलॉक को इस तरीके से दबाते हुए लॉक कर देंगे, जिससे कि जिपलॉक के अंदर बिल्कुल भी हवा पास ना कर पाए। अब इस पैकेट वाले मटर को हम रख देंगे फ्रीजर में, जहाँ पे हम बर्फ़ या आइसक्रीम जमाते हैं। ये जो मटर है 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको मटर खाने का दिल करे, जितना मटर चाहिए उतना मटर निकालने के बाद फिर से इस पैकेट को फ्रीजर में रख दीजिए। मटर बॉईल किया हुआ जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, छान के पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। इस तरीके का एक कांच के बॉटल को धो के साफ कर लिए हैं। प्लास्टिक या दूसरे टाइप के बॉटल्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना मटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इस कांच के बॉटल के अंदर बॉयल किया हुआ मटर को भर लेंगे। जितना भी बचे हुए मटर थे उसको मैंने बॉटल में भर लिए हैं। अब इस बॉटल के अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ मटर का पानी। ये जो पानी है एकदम ठंडा होनी चाहिए। अगर ये पानी गर्म होगा तो मटर जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। अब इस कांच के बॉटल को हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, जहाँ पे हम दूध या सब्जी वगैरह रखते हैं। बॉटल को फ्रिज के कोई भी कोने में इस तरीके से सुला के रख दीजिए। बॉटल को बिल्कुल भी खड़ा नहीं रखना है, वरना ये कांच के बॉटल है, गिर के टूट भी सकते हैं। पैकेट वाला जो मटर है इसको हम रखेंगे फ्रीजर में, और बॉटल वाला जो मटर है इसको हम रखेंगे फ्रिज में। बॉटल वाले जो मटर है इसको हमेशा चम्मच से निकालिए, और जब तक मटर ख़त्म ना हो जाए तब तक इस पानी को ना फेंकें। मटर स्टोर करने का 2 टाइप के प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।